गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज देखेंगे माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिस और वायरसेस। उसमें हम डिस्कशन करेंगे डीएनए वायरस क्या है, आरएनए वायरस क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए स्पेशियल है। मैं जो डिस्कशन करूंगा माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, ये पार्ट वन है। ग्रेजुअली हम डिस्कशन करेंगे पार्ट टू पार्ट थ्री, इस हिसाब से हम कंप्लीट करेंगे वायरस को। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। वेरी गुड इवनिंग डियर साना साना। ओके, सो टुडे विल स्टार्ट विद द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। ओके, तो पहला चीज हमेशा याद रखो, वायरस जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, वायरसेस जो कंसिस्ट होता है ओनली सिंगल सेल। ओके, सिंगल सेल, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। उसके बाद बोला गया है ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर बोला गया है, ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर। जब ये शरीर में जाता है तो एक्टिव होता है, आउटसाइड द बॉडी इट इज इनएक्टिव। मीन वायरसेस आर इनएक्टिव आउटसाइड द बॉडी, व्हेन दे विल एंटर इनटू द बॉडी एट द सेम टाइम दे आर फुली एक्टिव। इंट्रा सेलुलर, इंट्रा का मतलब है इनसाइड सेलुलर, इनसाइड द सेल। ओके, इनसाइड द सेल द वायरस इज एक्टिव, इसीलिए इसको बोला जाता है इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट बोला जाता है, और ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर बोलते हैं। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग याद रखो, अदर कोई भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया कि अदर क्रोकेट्स हुआ, ओके, ये दोनों को में क्या होता है, डिफर होता है। ओके, अगर वायरस किसी बारे में बोलेंगे तो वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया एलोंग विद अदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, समझ में आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, क्योंकि किसलिए डिफरेंट है अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, पहला चीज है, पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वायरस का, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। ओके, आउटसाइड द बॉडी दीज वायरसेस आर इनएक्टिव, व्हेन दे विल एंटर इनटू द बॉडी एट द सेम टाइम द वायरसेस आर एक्टिव। ओके, मीन वो मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा। एनादर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर याद रखना है, ओके, वायरसेस में अदर हम डीएनए देखेंगे और आरएनए देखेंगे, बट नेवर बोथ बोला है। सपोज दिस वन इज द वायरस, सपोज दिस वन इज द एचआईवी वायरस। ओके, मैं एक फिर एग्जांपल दे रहा हूँ एचआईवी वायरस। ये एचआईवी वायरस, ओके, ओनली, ओके, ओनली किसमें बना हुआ होगा, ओनली सिंगल न्यूक्लिक एसिड में बना हुआ होगा। ओके, ओनली सिंगल न्यूक्लिक एसिड में बना हुआ होगा, इसको जरूर याद रखिए। ओके, मीन आरएनए। ओके, इसको जरूर याद रखिए, ये एक टू क्या है, आरएनए वायरस है। ओके, एचआईवी वायरस है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। ओके, डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। ओके, तो वायरसेस में आप अदर एक वायरस में आप देखेंगे डीएनए देखने को मिलेगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, बट उसमें डीएनए नहीं रहेगा, आरएनए भी नहीं, मीन एक साथ दोनों नहीं रहेगा। दोनों मीन बोथ द न्यूक्लिक एसिड विल नॉट बी प्रेजेंट इन द वायरस, ओनली सिंगल न्यूक्लिक एसिड विल बी प्रेजेंट, एदर दैट इज डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। समझ में आ गया। ओके, ये एचआईवी को रिट्रो वायरस भी बोला जाता है, क्योंकि आरएनए को क्या कर देगा, ओके, आरएनए को, ओके, इसको ये क्या कर देगा, डीएनए कर देगा, जिसके वजह से इसको रिट्रो वायरस बोला जा रहा है। ओके, रिट्रो वायरस बोला जा रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जरूर डिस्कशन करेंगे वायरस के बारे में। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद फिल्टरेबल, एनादर यहाँ एक तो चीज बोला हूँ, बट बैक्टीरिया में आप जब देखेंगे दोनों आप न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा इन बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया यू विल गेट द बोथ न्यूक्लिक एसिड, अद वहां पर आपको डीएनए भी देखने को मिलेगा, आरएनए भी देखने को मिलेगा, बट वायरसेस में क्या है, ये एक्सेप्शनल केस है, इसको जरूर याद रखिए। एनदर इंपोर्टेंट चीज का है वायरसेस का कैरेक्टरिस्टिक फिल्टरेबल बोला है, दे आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी सबसे छोटा है। ओके, बैक्टीरिया से भी सबसे छोटा है। ओके, जो फिल्टर में बैक्टीरिया को फिल्टर किया जाता है उसमें क्या हो जाएगा, ये वायरसेस इजीली उसको एंटर कर जाएंगे। ओके, जो फिल्टर है, ओके, जो बैक्टीरियल फिल्टर है उसमें भी वायरसेस इजीली दे विल फिल्टर, दे विल इजीली पास। ओके, समझ में आ गया। तो इतना सबसे छोटा है, जैसा अभी कोरोना वायरस का चल रहा है,
अभी जैसा कोरोना वायरस इतना स्मॉल है। उसके बाद बोला गया ओके दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल सेल फ्री मीडिया बोला गया है। ओके जो भी हम जितना भी सेल मीडिया ले रहे हैं सेल फ्री मीडिया आर्टिफिशियल है उसमें इसको ग्रो नहीं करते हैं, वायरसेस को ग्रो नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट ओके एनिमल में ग्रो कर सकता है, एग में ग्रो कर सकता है और टिश्यू कल्चर में ग्रो कर सकता है, बट वायरस में जो बैक्टीरिया होता है उसको कल्चर किया जा सकता है, बट वायरसेस में एक्सेप्शनल देखने को मिलेगा ओनली एनिमल्स में, एग्स में हो सकता है या टिश्यू कल्चर में भी हो सकता है, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद एक वायरस से दूसरा वायरस होने के लिए जो प्रोसेस में मल्टीप्लाई होता है ये कॉम्प्लेक्स मेथड है। ओके दे मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स मेथड बट नॉट बाय द बाइनरी फ्यूजन सीन इन बैक्टीरिया, मीन एक बैक्टीरिया सपोज हुआ है वो डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया हो जाएगा। ओके दैट विल बी डिवाइड इनटू टू बैक्टीरिया हो जाएगा, बट यहाँ पर ये बाइनरी फ्यूजन कैन नॉट बी सीन। ओके कैन नॉट बी टेकन प्लेस इन द वायरसेस, इसको जरूर याद रखिए। ओके मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, डिटेल्स इसका बताऊंगा, आप लोगों के क्वेश्चन है इसके लिए। उसके बाद देखेंगे वायरसेस डो नॉट हैव ए प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम बैक्टीरिया में देखते हैं इसका इसका ये सेल मेम्ब्रेन है, इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका मियोजोम्स है। ओके जैसा हम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वायरसेस में बैक्टीरिया में उसी हिसाब से हमको देखने को नहीं मिलेगा, किसमें देखने को नहीं मिला वायरसेस में सच काइंड ऑफ प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। ओके अनदर इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखो, ओके बैक्टीरिया में आप लोगों को सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा या सेलुलर ऑर्गेनेल देखने को मिला जैसे राइबोसोम्स, यहाँ पर वायरसेस में हमको ये चीज सब देखने को नहीं मिलेगा, इसको जरूर याद रखिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। उसके बाद बोला गया ओके दे लैक द एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ओके वायरसेस के पास क्या नहीं है, एंजाइम्स नहीं है। ओके वायरसेस डोंट हैव एनी एंजाइम्स, किस लिए, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करने के लिए। ओके इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद दे आर नॉट ससेप्टेबल टू एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक। ओके एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है, एंटीबायोटिक जो बेसिकली ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली बैक्टीरिया के लिए दिया जाता है। ओके बैक्टीरिया का मेडिसिन अगर वायरस में देंगे तो काम नहीं करेगा। ओके अभी जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, ओके जो मेडिसिन आइथ्रोमाइसिन जो दिया जा रहा है किस लिए दिया जा रहा है, मेन जो को इन्फेक्शन। ओके ऑलरेडी तो वायरल इन्फेक्शन है कोरोना, जो सार्स कोव टू जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू जो है। ओके उसके वजह से क्या हो सकता है, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको चांसेस रहता है कि को इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहता है, इसीलिए एंटीबायोटिक दिया जा रहा है जैसे बैक्टीरियल निमोनिया नहीं होने के लिए। ओके बैक्टीरियल निमोनिया नहीं होने के लिए आइथ्रोमाइसिन दिया जा रहा है, समझ में आ गया। ओके तो याद रखो बैक्टीरियल जितना भी डीज है, बैक्टीरियल जितना भी वायरल जितना भी वायरस का जितना भी डीज है, ओके उसमें बैक्टीरियल का मेडिसिन बाय एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा, समझ में आ गया। ओनली एंटीवायरल विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर डीजी, एक एक समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू देखेंगे डीएनए वायरस एलॉन्ग क्लासिफिकेशन देखेंगे, वायरस को बेसिंग ओपन द न्यूक्लिक एसिड को बेस करके वायरसों को दो हिसाब से डिवाइड किया गया है, एक टू डीएनए वायरस एनदर ऑन द आरएनए वायरस। उसके बाद डीएनए वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए वायरस है, उसी हिसाब से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ओके तो डीएनए वायरस को सिंपली याद रखने के लिए ओके हम देखेंगे इसको सिंपली याद रखने के लिए 3P याद रखना है, क्या याद रखना है, 3P प्लस ओके 2H याद रखना है प्लस ए बी ओके ओके तो ये डीएनए वायरस का क्लासिफिकेशन है, इसको जरूर याद रखो। अगर डीएनए वायरस फैमिली पूछता है तो 3P याद रखना है, 3P कौन कौन सा है, पॉक्स वीरिडी। ओके पहला पी जो है पॉक्स वीरिडी, सेकेंड पी है जो पाबोवा वीरिडी एंड थर्ड जो पी है दैट इज पार्वो वीरिडी, समझ में आ गया। पहला जो पी है पॉक्स वीरिडी जो लार्जेस्ट वायरस इन साइज है, ओके लार्जेस्ट वायरस इन साइज, अगर डीएनए वायरस में पूछा जाएगा डीएनए वायरस फैमिली में ओके लार्जेस्ट वायरस इन साइज पूछा जाएगा तो पॉक्स वीरिडी याद रखना है, समझ में आ गया। उसके बाद नंबर 2P आ गया पापोवा वीरिडी, ओके नंबर 3P में आ गया पार्वो वीरिडी, ओके जो पार्वो वीरिडी सबसे स्मॉलेस्ट वायरस इन साइज,
इन डीएनए वायरस फैमिली, समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू, देखेंगे टू एज बोला है। ओके तो फर्स्ट एज देखेंगे हर्पिस भिरिडी, ओके सेकेंड एज देखेंगे हेपेटाइटिस भिरिडी, समझ में आया। उसके बाद ए बी बोला है, क्या बोला है ए बी, यहां देखो मेंशन भी किया गया है, मैं भी मेंशन कर दिया हूं। ओके ए पर क्या है आडिनो भिरिडी, ओके ए पर क्या है आडिनो भिरिडी, बी पर क्या है बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस का मतलब क्या है, ओके कभी कभी क्या होता है बैक्टीरिया, ओके बैक्टीरिया को वायरस खा जाता है, ओके मीन वायरस विल एंगल द बैक्टीरिया, जिसको क्या बोला जाता है बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। ओके वायरस इतना पावरफुल है कि जो कि बैक्टीरिया को खा लेता है, तो समझो कितना ये पावरफुल ओके वायरस है, याद रखो। ओके वायरसेस विल ईट द और एंगल द बैक्टीरिया, ओके जिसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज बोला जाता है, इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे, नाउ विल सी अबाउट द डीएनए वायरस फैमिली का, ओके सेपरेट सेपरेट अभी हम स्टडी करेंगे। ओके लास्ट में पढ़ाने के बाद आप लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देंगे, इसीलिए इसको ध्यान से याद रखिए। पॉक्स वायरस जो है, ओके उसका जो डीएनए वायरस का नाम है वेरिएबला वायरस, पॉक्स वायरस का डीएनए वायरस का नाम क्या है वेरिएबला वायरस। उसके बाद नंबर टू में वैक्सीनिया वायरस, ये भी डीएनए वायरस फैमिली का है। उसके बाद नंबर थ्री में आ गया मोलुस्कम कॉन्टाजियोसम वायरस है, ये जितना वायरस का नाम लिया ये डीएनए वायरस फैमिली का पॉक्स वायरस कैटेगरी का है। ओके पॉक्स वायरस डीएनए वायरस फैमिली का है, इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग, इसको भूलना मत। नेक्स्ट हम देखेंगे पापोवा भिरिडी, पापोवा भिरिडी, पापोवा भिरिडी डीएनए वायरस फैमिली का, डीएनए वायरस का नाम क्या है, पहला जो ह्यूमन पापिलोमा वायरस, ये ह्यूमन पापिलोमा वायरस क्या करता है आप लोगों को पता होगा, ह्यूमन पापिलोमा वायरस क्या करता है। वेरी गुड इवनिंग डियर असित कुमार राउत, ओके ये फर्स्ट ईयर जीएनएम के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी है, ओके और किसी भी नर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके इसीलिए सब जो देखेंगे वीडियो को उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि वायरस का बारे में जरूर इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ग्रेजुअली हम पार्ट टू पार्ट थ्री इस हिसाब से टोटल वायरस को हम डील करेंगे, ओके जो कि एक भी क्वेश्चन हम नहीं मीन एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे एग्जामिनेशन में, एवरीथिंग यू विल स्टडी एंड यू विल गेट एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दैट एग्जामिनेशन। ओके सो पापोवा भिरिडी का अगर देखेंगे तो ह्यूमन पापिलोमा वायरस, ओके पढ़े होंगे आप लोगों, सर्वाइकल कैंसर कौन करता है ह्यूमन पापिलोमा वायरस करता है, याद रखो ह्यूमन पापिलोमा वायरस। कौन सा डीएनए, ये डीएनए वायरस है, कौन सा फैमिली का है पापोवा भिरिडी का है, इसको जरूर याद रखो। ओके उसके बाद देखेंगे पोलियोमा वायरस, पोलियोमा वायरस कौन सा डीएनए वायरस फैमिली का है पापोवा भिरिडी, इसको भी जरूर याद रखो। उसके बाद देखेंगे बीके एंड जेसी वायरस, ये भी पापोवा भिरिडी ओके फैमिली का डीएनए वायरस फैमिली का कैटेगरी है, समझ में आ गया। नेक्स्ट विल कम बैक टू पार्वो भिरिडी, जिसको स्मॉलेस्ट वायरस इन साइज बोला जाता है, पार्वो भिरिडी जो है ये स्मॉलेस्ट वायरस इन साइज स्पेशली इन द डीएनए वायरस के लिए, इसको जरूर याद रखना है, इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग को भी, इसको भूलना नहीं है, इसको जरूर याद रखो। नेक्स्ट विल कम बैक टू, इसमें देखेंगे हम पार्वो भिरिडी में हम फोकस करेंगे पार्वो वायरस, ओके इसका जो डीएनए वायरस का नाम है, ओके ओनली वायरस टू हैव ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके ये ओनली सिंगल वायरस जो है इसमें ओनली हमको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को नहीं मिलेगा, इसको जरूर याद रखिए। ओके समझ में आया। नेक्स्ट विल कम बैक टू हर्पिस भिरिडी देखेंगे, हर्पिस भिरिडी डीएनए वायरस फैमिली का वो डीएनए वायरस का नाम क्या है, पहला देखो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस वन एंड टू, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस वन एंड टू कौन सा डीएनए वायरस फैमिली का है हर्पिस भिरिडी, हर्पिस भिरिडी, ओके बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद डीएनए वायरस जो वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये भी हर्पिस भिरिडी डीएनए वायरस फैमिली का है। उसके बाद सी एम बी साइटोमेगालो वायरस, ओके साइटोमेगालो वायरस, ओके समझ इसको याद रखो साइटोमेगालो वायरस।
उसके बाद ईवी वायरस, ईवी वायरस मैंने क्या है, ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईवी वायरस, एप्स्टीन बार वायरस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एप्स्टीन बार वायरस बोला जाता है, इसको जरूर याद रखिए, ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, ओके साइटोमेगालो वायरस क्या करता है, ओके साइटोमेगालो वायरस क्या करता है, ओके साइटोमेगालो वायरस कौन कौन सा डिजीज करता है, ओके मेरे को आंसर में पुट अप करिए दीजिए क्या होगा, ओके पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, ओके साइटोमेगालो वायरस कॉजेज व्हाट आर द डिजीजेस, ओके जैसे साइटोमेगालो वायरस क्या क्या करेगा, मोनोन्यूक्लियोसिस करेगा, हेपाटाइटिस करेगा, ओके इसको जरूर याद रखिए, ओके नेक्स्ट एप्स्टीन बार वायरस, उसके बाद देखेंगे ह्यूमन हर्पीस वायरस 6, 7, 8, ओके ये गया सब डीएनए वायरस कौन सा हर्पीस वीरिडी फैमिली का है, इसको जरूर याद रखिए, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, ओके उसके बाद हेपर्ना वीरिडी, हेपर्ना वीरिडी का, ओके हेपर्ना वीरिडी का फैनस जो डीएनए वायरस फैमिली का, उसका डीएनए वायरस का नाम क्या है, हेपाटाइटिस बी वायरस, ये हेपर्ना वीरिडी है, ओके उसके बाद आडिनो वीरिडी का, आडिनो वायरस है, ओके बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है, द वायरस विच विल ईट द बैक्टीरिया और विच विल इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज, समझ में आ गया, ओके ये था सब डीएनए वायरसेस के बारे में, आप लोगों को याद रखना है 3P, 3P का मतलब है फॉक्स वीरिडी, पापोवा वीरिडी, पार्वो वीरिडी, 2H का मतलब है हर्पिस वीरिडी, हेपर्ना वीरिडी, AB का मतलब है एडिनो वीरिडी बैक्टीरियोफेज, ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू, ओके आरएनए वायरसेस देखेंगे हम, ओके आरएनए वायरस को देखो फैमिली दिया गया है पिकोर्ना वीरिडी, उसके बाद कालिसी वीरिडी, ओके उसके बाद टोगा वीरिडी, उसके बाद फ्लाबी वीरिडी, उसके बाद कोरोना वीरिडी, उसके बाद राबरुडो वीरिडी, ओके उसके बाद फाइलो वीरिडी, उसके बाद पारमिग्जो, पारामिग्जो वीरिडी, ऑर्थोमिग्जो वीरिडी, बुनिया वीरिडी, एरेना वीरिडी, रियो वीरिडी, एनादर वन द रिट्रो वीरिडी, ओके दीज आर द डिफरेंट आरएनए आरएनए वायरसेस, इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नॉलेज, इसको भूलना नहीं है, ओके इसको जरूर याद रखिए, तो पहला हम डिस्कशन करेंगे पिकोना वीरिडी, पिकोना वीरिडी के अंडर में हम देखेंगे पोलियो वायरस, ओके कोगजा की वायरस, कोगजा की वायरस, उसके बाद देखेंगे इको वायरस, उसके बाद एंट्रो वायरस, उसके बाद देखेंगे राइनो वायरस, हेपाटाइटिस ए वायरस, ओके समझ में आ गया, ये जितना था सब ये पिकोना वीरिडी का है, ओके पिकोना वीरिडी का आरएनए वायरस है, पिकोना वीरिडी जो फैमिली है उसका अंडर में, ओके ये इतना सारा हमको आरएनए वायरस देखने को मिलेगा, वेरी गुड इवनिंग डियर ट्रिपल एस खान, कोई बात नहीं डियर, ओके यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट सेशन, क्योंकि इसका जरूर एक क्वेश्चन आता है, ओके मीन कोई भी चीज आपको छोड़ना नहीं है, सब जितना भी चैप्टर है टॉपिक है, ओके सबको हम कंप्लीट करेंगे, ओके सो एनदर वन इज द देखो यहाँ पर देखेंगे हम कालसी वीरिडी, ओके कालिसी वीरिडी, कालसी वीरिडी का ओके फैमिली जो है उसमें हमको आरएनए वायरस जो कैटेगरी का है हेपाटाइटिस ई वायरस, इसको जरूर याद रखो, नॉर्कवार्क एजेंट, नॉर्कवार्क एजेंट, ये भी कालसी वीरिडी फैमिली का है, ओके ये आरएनए वायरस कालसी वीरिडी फैमिली का है, उसके बाद देखेंगे टोगा वीरिडी, टोगा वीरिडी फैमिली का आरएनए वायरस का नाम क्या है, रूबेला वायरस, ये तो आता है जरूर, उसके बाद ईस्टर्न इक्वाइन एनसेफेलाइटिस वायरस, ये तो जरूर नहीं आएगा बट यू हैव टू नो, वेस्टर्न इक्विनाइन एनसेफेलाइटिस वायरस, आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, रूबेला वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस आ सकता है, राइनो वायरस आ सकता है, हेपेटाइटिस ए वायरस भी आ सकता है, उसके बाद पोलियो वायरस आ सकता है, ओके जितना नाम दिया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद देखेंगे हम फ्लाबी वीरिडी, ओके फ्लाबी वीरिडी का, ओके फ्लाबी वीरिडी फैमिली का, ओके आरएनए वायरस का नाम क्या है, येलो फीवर वायरस, ओके येलो फीवर वायरस, ओके जो कि येलो फीवर वायरस के लिए हमको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन देना पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, डेंगू वायरस आएगा, उसके बाद सेंट लुइस एनसेफेलाइटिस वायरस आएगा,
वेस्ट नील वायरस, ये तो पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, वेस्ट नील वायरस के बारे में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ाया गया होगा, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट वन। हेपेटाइटिस सी वायरस, ये फ्लावी बिरिडी वायरस का है, डेंगू वायरस याद रखो, ओके, डेंगू वायरस, डेंगू वायरस फ्लावी बिरिडी फैमिली का है, ओके, डेंगू वायरस जो है वो आरएनए वायरस है, इसको जरूर याद रखो। उसके बाद कोरोना भिरिडी, कोरोना भिरिडी फैमिली का वायरस का नाम क्या है, कोरोना वायरस, अभी जो कोरोना वायरस का नाम क्या है, ओके, व्हाट इज द करंट नेम ऑफ दैट, ओके, कोविड 19 का नाम क्या है, कौन बोल सकता है, ओके, सार्स कोप टू, ओके, कोप टू, इसका एक्चुअली WHO रेकमेंड किया गया था, ये नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू, ओके, इसको जरूर याद रखो, ओके, पहले इसको बोला जाता था नोवेल कोरोना, बाद में बोला गया कोविड 19 बोला गया, कोरोना वायरस डिजीज 2019 बोला गया, जो कि 31 दिसंबर 2019 में पता चला था, इसीलिए कोविड 19 बोला जाता था, ओके, बाद में इसको WHO रेकमेंड किया, इसका नाम चेंज होगा भाई, ओके, क्या है वो, उसका नाम हो गया सार्स कोप टू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू, इसको जरूर याद रखो, ओके। उसके बाद देखेंगे राबडो भेरीडी, राबडो भेरी फैमिली का वायरस का नाम क्या है, रेबीज वायरस, ओके, रेबीज वायरस आप लोगों को पता होगा, रेबीज वायरस का नाम क्या है, लिसा वायरस टाइप वन, ओके, टाइप वन, लिसा वायरस टाइप वन, ये रेबीज वायरस है, बेसिकली कहाँ पर ये रेबीज वायरस देखने को मिलेगा, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल अगर इन्फेक्टेड रहेगा तो उसमें हमको रेबीज वायरस देखने को मिलेगा, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट विल सी वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस वायरस, दैट इज ऑल्सो आर एन ए वायरस दैट बिलिंग्स टू फैमिली इज नोन एज राबडोविरिडी, हैव यू गॉट इट नॉट, ओके। नेक्स्ट विल कम बैक टू फाइलोविरिडी, फाइलोविरिडी फैमिली को कौन सा आर एन ए वायरस इंक्लूड होता है, मार्बर्ग विरिडी, इबोला वायरस, इबोला वायरस, ओके, आप लोगों को पता होगा इंडिया में, ओके, हर एक साल में एक वायरस आ रहा है, ओके, निपाह वायरस पता होगा केरल में हुआ था, पहले स्वाइन फ्लू, उसके बाद निपाह वायरस, उसके बाद इबोला, ओके, जापानी इंसेफेलाइटिस तो है, उड़ीसा में अगर बोलेंगे तो मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उसके बाद आपका जो गोरखपुर, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में भी हुआ था, ओके, जस्ट बिफोर 3 ईयर, मीन विद इन 5 ईयर्स के अंदर हुआ था, आई फॉरगॉट दैट वन, ओके, 5 ईयर्स या 6 ईयर के अंदर हुआ था, ओके, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ओके, जिसकी वजह से बच्चों लोग मर गए थे ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से, ओके, तो इसको इबोला वायरस को जरूर याद रखिए, इबोला वायरस कौन आरएनए वायरस है, पहला चीज आरएनए वायरस है याद रखना, कौन सा फैमिली का है बोलेगा तो फाइलोविरिडी का है, समझ में आ गया। नेक्स्ट विल कम बैक टू पारामिग्जो विरिडी फैमिली का हम देखेंगे अभी, इसको लिख लो क्योंकि इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, ओके, आरएनए वायरस का नाम क्या है, पारामिग्जो विरिडी फैमिली का आरएनए वायरस का नाम पहला है पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके बाद मम्स वायरस, मिजिल्स वायरस, ओके, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, उसके बाद न्यू कास्ट्रल डिजीज वायरस, एनादर द मेटो नीमो वायरस, बेसिकली आप लोगों के लिए क्या आएगा, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस आ सकता है, ओके, एग्जाम में मम्स वायरस आ सकता है, ओके, मिजिल वायरस आ सकता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस ये भी आ सकता है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे ऑर्थोमिग्जो विरिडी फैमिली का आरएनए वायरस कौन कौन सा आएगा, इन्फ्लुएंजा ए आएगा, इन्फ्लुएंजा बी आएगा, इन्फ्लुएंजा सी आएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन्फ्लुएंजा वायरस सी, इसको जरूर याद रखिए, ओके। उसके बाद देखेंगे बुनिया विरिडी फैमिली का आरएनए वायरस का नाम क्या है, हंता वायरस, ये भी एक तो जरूर क्वेश्चन आता है, हंता वायरस, इसको जरूर याद रखिए। जस्ट रिसेंटली, जस्ट बिफोर 3 और 4 मंथ में ये हंता वायरस का आउटब्रेक हुआ था चाइना में, ओके, इसको भी जरूर याद रखिए, हंता वायरस बोला जाता है, ओके, आप लोग वो दे सकते हैं अगर किसी को देखना है तो, हंता वायरस का आउटब्रेक हुआ था जस्ट बिफोर विद इन सिक्स मंथ बोलता हूँ, ओके, विद इन 6 मंथ में इसका आउटब्रेक हुआ था हंता वायरस का। उसके बाद कैलिफोर्निया इंसेफेलाइटिस वायरस, ये तो इतना इंपोर्टेंस नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। सैंडफ्लाई फीवर वायरस, ये भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर, आप लोगों को याद रखना है।
उसके बाद देखेंगे आरना भिरिडी, आरना भिरिडी फैमिली का ओके, जो आरएनए वायरस का नाम किया है लिम्फोसाइटिक कोरियो मेनिंजाइटी वायरस ओके, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लासा वायरस, लासा फीवर वायरस ओके, साउथ अमेरिकन हिमोरेजिक फीवर वायरस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ओके, बट यू हैव टू रिमेम्बर, आप लोगों को याद जितना याद रखेंगे उतना सबसे अच्छा है ओके, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है ओके, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है ओके, यू हैव टू स्टडी दैट वन ओके, एक बार देख लेने से, दो बार देख लेने से कुछ असुविधा नहीं है ओके, पता होना चाहिए ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे ओके, रियो भिरिडी फैमिली का आरएनए वायरस का नाम किया है रोटा वायरस। भाई ये तो जरूरी है, रोटा वायरस का आता है बच्चों में जो बार बार ओके, जो डायरियल होता है रोटा वायरस की वजह से होता है, इसीलिए रोटा वायरस का वैक्सीन दिया जाता है। समझ में आ गया, रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया गया, बट देट विल बी गिवेन एज एडिशनल वैक्सीन, याद समझ में आ गया। उसके बाद रियो वायरस ओके, तो इसका जो इम्पोर्टेंट है रोटा वायरस इम्पोर्टेंट है, बच्चों में फ्रीक्वेंटली जो मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है डायरियल इन्फेक्शन, दैट इज ड्यू टू रोटा वायरस ओके, इसको जरूर याद रहेगी ओके। ये ओनली जो ओनली फैमिली है आरएनए वायरस का जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस डीएनए देखने को मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओके, इसको जरूर याद रहेगी। रियो वायरस आ गया, कोलोराडो टिक फीवर, ये कोलोराडो में देखने को मिलता है, इतना हमारा इंडिया में नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे रिट्रोविरिडी, ये रिट्रोविरिडी का किसी भी एग्जामिनेशन में एक तो क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि एचआईवी का हमेशा पूछता है। एचआईवी आप एचआईवी कौन सा फैमिली का वायरस है बोलने से आपका बोलेंगे, आपका आंसर होगा रिट्रोविरिडी बोलेंगे ओके। सर किस एज में ड्यूटी है ओके, आई एम नॉट गेटिंग डियर, उसको करेक्टली लिखिए क्या बोल रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर टेलिंग ओके। एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये रिट्रोविरिडी का है ओके, जो कि आरएनए वायरस है, पहला ऊपर में लिख दिया हूँ, ये आरएनए वायरस क्या कर देगा, डीएनए कर देगा, इसीलिए इसका नाम है रिट्रोविरिडी। उसके बाद एचटीएलवी, ह्यूमन टी लिम्फोसाइटोट्रोपिक वायरस ओके, एच आई वी का जो पहले बोला जाता था एच टी एल भी बोला जाता था, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस बोला जाता था। ये था माय डियर फ्यूचर लॉगिंग नर्सिंग ऑफिसर डीएनए एंड आरएनए वायरस का क्लासिफिकेशन। अभी इसका हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फेस करो, कौन आंसर दे पा रहा है देखते हैं अभी ओके। जितना मैं पढ़ाया जरूर जो जो इम्पोर्टेंट बोला हूँ जरूर उसका क्वेश्चन आएगा, अभी देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वेरिएबला वायरस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ डीएनए वायरस ओके, वेरिएबला वायरस जो है ओके, वेरिएबला वायरस ओके, इसका ये ऑप्शन में है पॉक्स भिरिडी ओके, बी ऑप्शन में आ गया पापोभा भिरिडी, सी ऑप्शन में पार्वो भिरिडी ओके, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव, सो पुट अप करिए ओके, पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, अगर बच्चा को अगर 15 वीक्स अगर कंप्लीट हो गया है तो हम रोटा वायरस वैक्सीन दे सकते हैं ओके, समझ में आ गया। बेसिकली 3 डोज दिया जाता है रोटा वायरस का, जो 3 ओके डोजेस होता है ओके, रोटा वायरस का 3 डोजेस होता है ओके, 3 डोजेस होता है ओके, कौन कौन सा होगा, पहले 2 मंथ में दिया जाएगा, उसके बाद 4 मंथ में दिया जाएगा, उसके बाद 6 मंथ में दिया जाएगा ओके, एवरी 2 मंथ में हम दे रहे हैं, एवरी 2 मंथ इंटरवल में हम रोटा वायरस वैक्सीन का 3 डोज दिया जाएगा ओके, समझ में आ गया। ये एडिशनल वैक्सीन है, अगर कोई चाहता है ओके, वो दे सकता है। बेसिकली हमको जो बच्चों में कोई अगर मदर मिल्क पी रहा है ओके, मदर का अगर मिल्क पी रहा है उसको बेसिकली डायरिया देखने को नहीं मिलता है, वेरी रेयर देखने को मिलता है। जो बच्चा अगर जैसे
ओके मीन मदर मिल्क को छोड़ के क्योंकि कोई अगर ओके एक्सप्रेस जो ब्रेस्ट मिल्क छोड़ के कोई अगर उसमें वो खिला रहा है ओके एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ के जो विनिंग पीरियड होता है उसे बच्चों को क्या करते हैं ओके डिफरेंट जो लैक्टोजन आता है डिफरेंट जो सप्लीमेंट ओके जो सप्लीमेंट हो रहा है उसको जो खिलाते हैं बच्चों में उसके वजह से फ्रीक्वेंट डायरिया होता रहता है। तो वही बच्चा में अगर ये रोटा वायरस इंजेक्शन दिया जाएगा तो डेट विल बी ओके अच्छा रहेगा ओके जो बार बार जो फ्रीक्वेंट एक्चुअली हो रहा है ओके लूज मोशन और डायरिया हो रहा है तो उसमें देने से सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि बच्चा दुर्बल नहीं होगा उसके उसका मेंटली एंड फिजिकली अच्छा रहेगा ओके मीन ग्रोथ ठीक रहेगा। किसी बच्चा अगर बार बार अगर फ्रीक्वेंट लूज मोशन हो रहा है तो क्या होगा मीन फिजिकली एलोंग विद मेंटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मैंने जो महीना में या जो वीक्स में जो माइलस्टोन एक्चुअली अचीव करना चाहिए वो एक्चुअली अचीव नहीं कर पाते हैं जो बार बार एक्चुअली इन्फेक्टेड होते हैं। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा? पुट करिए आंसर व्हाट माइट बी द राइट आंसर। वेरिओला वायरस जो है ओके वो डीएनए वायरस का फैमिली का नाम क्या है? कौन सा फैमिली का है? ओके पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पर याद रखो माई डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर आंसर इसका होगा पॉक्स बीरिडी। क्या होगा? पॉक्स बीरिडी, इसको जरूर याद रखिए। ओके मैं इसके बारे में पढ़ाया था, इसका ऊपर में है ओके पॉक्स बीरिडी। ये डीएनए वायरस का फैमिली का नाम है पॉक्स बीरिडी। पॉक्स बीरिडी का फैमिली में हम पढ़े थे वेरिएबला वायरस, वैक्सीनिया वायरस और एक तो पढ़ा था क्या मोलुस्कम कॉन्टाजियोसम वायरस बोल के पढ़ा था। समझ में आ गया? अभी हम देखेंगे नंबर टू क्वेश्चन। वैक्सीनिया वायरस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ द डीएनए वायरसेस? ओके वैक्सीनिया वायरस ओके कौन सा डीएनए वायरस का फैमिली का कैटेगरी में आता है? ए ऑप्शन में पॉक्स विरिडी, बी ऑप्शन में पापोवा विरिडी, सी ऑप्शन में पार्वो विरिडी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। सो पुट अप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। आंसर क्या होगा? ओके व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। टू का भी क्या होगा? आंसर विल बी द टू ए होगा, पॉक्स विरिडी, इसको जरूर याद रखिए क्योंकि मैं आप इसका प्रीवियस क्वेश्चन में बोल दिया हूँ ऑलरेडी, आप लोगों को क्लू भी दे दिया हूँ। पॉक्स विरिडी के फैमिली में हमको तीन टो वायरस देखने को मिलेगा। ओके डी नहीं होगा, रंजन बेहरा नॉन ऑफ द अबव नहीं होगा। ओके क्यों? आप किस प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को क्लू भी दे दिया था पॉक्स विरिडी में हमको ओके तीन ठो वायरस देखने को मिलेगा डीएनए वायरस। पहला चीज है ओके क्या नाम है उसका? वेरिओला वायरस बी। उसके बाद नंबर टू में आएगा वैक्सीनिया वायरस, नंबर थ्री में आएगा मोलुस्कम ओके कॉन्टाजियोसम वायरस। अभी वो तीन नंबर क्वेश्चन में आएगा, देखो मोलुस्कम कॉन्टाजियोसम वायरस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ डीएनए वायरसेस? क्या होगा? कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं ओके जो लोग आप लोग जो चीज आप लोगों को पढ़ाया गया था उसी को क्वेश्चन किया गया है, आप लोग आंसर देंगे वेदर यू आर गेटिंग करेक्टली और नॉट। वेरी गुड डियर ट्रिपल एस खान, यू हैव गिवन द राइट आंसर डियर। ओके हमेशा क्वेश्चन को समझना है। ओके वेरी गुड सना सना, यू हैव आल्सो गिवन द राइट आंसर। नेक्स्ट विल कम बैक टू नंबर फोर में देखेंगे ह्यूमन पापिलोमा वायरस। ओके ह्यूमन पापिलोमा वायरस क्या करता है? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के भेजिए ह्यूमन पापिलोमा वायरस कौन सा कौन सा डिजीज करता है? बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ डीएनए वायरसेस? ए ऑप्शन में पॉक्स विरिडी, बी ऑप्शन में पापोवा विरिडी, सी ऑप्शन में पार्वो विरिडी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स व्हाट माइट बी द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? ओके ह्यूमन पापिलोमा वायरस जिसके लिए पापानी कोलाउ टेस्ट किया जाता है ओके और पापस्मियर भी किया जाता है। पापस्मियर क्या किया जाता है? पापस्मियर ओके ह्यूमन पापिलोमा वायरस कौन सा डिजीज करता है?
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? वेरी गुड योर ट्रिपल एस कैन यू हैव गिवन द राइट आंसर। ओके पापोवा भिरिडी होगा, आंसर क्या होगा? पापोवा भिरिडी होगा। ओके इसके बारे में जरूर आप लोगों को बुलाऊ मैं, पापोवा भिरिडी होगा, पापोवा भिरिडी, पार्वो भिरिडी नहीं, पापोवा भिरिडी होगा। ओके जो पढ़ाया गया है उसको जरूर याद रहिए। ओके नेक्स्ट विल कम, थोड़ा हम आ जाते हैं उसके बारे में। ओके देखो यहाँ दैट इज नॉट विजिबल। ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू फाइव में देखेंगे पोलियोमा वायरस, पोलियोमा वायरस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ डीएनए वायरस। ओके पोलियोमा, ओके इसके बारे में ये बोला था कौन सा डीएनए वायरस फैमिली का है? ए ऑप्शन में पॉक्स विरिडी, बी ऑप्शन में पापोवा विरिडी, सी ऑप्शन में पार्वो विरिडी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, इसका आंसर पुट अप करिए, क्या होगा? इसका आंसर भी होगा पापोवा विरिडी। क्या है इसका आंसर? है पापोवा विरिडी, इसको जरूर याद रखिए। ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू नंबर सिक्स में देखेंगे बीके एंड जेसी वायरस बिलोंग्स टू, बीके एंड जेसी वायरस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ डीएनए वायरस। ओके दिया गया है चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में कौन सा फैमिली का, ओके डीएनए वायरस फैमिली का बीके एंड जेसी वायरस आएगा? ए ऑप्शन में पॉक्स विरिडी, बी ऑप्शन में पापोवा विरिडी, सी ऑप्शन में पार्वो विरिडी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, पुट अप करिए, क्या होगा? आंसर विल बी द पापोवा विरिडी आएगा। क्या आएगा? पापोवा विरिडी आएगा। ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू सेवन में देखेंगे पार्वो वायरस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ डीएनए वायरस। ओके पार्वो वायरस बोला है, पार्वो वायरस नाम से ही पता चल रहा है, इसका जो फैमिली का नाम है पार्वो विरिडी है। ओके पार्वो विरिडी है, ओके इसको जरूर याद रखिए। ओके सिक्स का, ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू एट में देखेंगे हर्पीस सिंप्लेक्स और एचएसवी वन एंड टू बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ डीएनए वायरसेस। ए ऑप्शन में पॉक्स विरिडी, बी ऑप्शन में आडिनो विरिडी, सी ऑप्शन में हर्पीस विरिडी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। वेरी गुड डियर ट्रिपल एस खान, सो पुट अप करिए, एट का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? एट का तो पता चल रहा है, ओके नाम से ही पता चल रहा है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस वन एंड टू बोला है, ओके नाम से ही पता चल रहा है। ओके वेरी गुड डियर, वेरी गुड, हर्पीस विरिडी। ओके इसमें इसमें आएगा एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ओके उसके बाद हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस वन एंड टू आएगा। ओके उसके बाद ओके और भी कितना सारा नेम है मैं इसमें अभी दिखाऊंगा। हर्पीस वायरस सिक्स सेवन एट बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ डीएनए वायरस। ए ऑप्शन में पॉक्स विरिडी, बी ऑप्शन में आडिनो विरिडी, सी ऑप्शन में हर्पीस विरिडी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। ओके वेरी गुड डियर सना सना आल्सो गिवन द राइट आंसर। तो हर्पीस वायरस सी सेवन एट टाइप का जो है ये वायरस कौन सा फैमिली का है? ओके कौन सा फैमिली का है? डीएनए फैमिली का है। ओके नाम से ही पता चल रहा है हर्पीस बोला है, ऑब्वियसली दैट आंसर विल बी द नाइन सी होगा। ओके हर्पीस विरिडी होगा, इसको भी जरूर याद रखिए। ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू टेन में देखेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ डीएनए वायरस। ओके कौन सा डीएनए, ओके डीएनए वायरस फैमिली का है? हेपेटाइटिस बी वायरस। वेरी गुड डियर, ओके नाइन सी राइट आंसर। ओके पॉक्स विरिडी, बी ऑप्शन में आडिनो विरिडी, सी ऑप्शन में हर्पीस विरिडी, डी ऑप्शन में हेपाटाइटिस विरिडी। ओके हेपेटाइटिस बी ओनली एंड ओनली दैट बिलोंग्स टू कौन सा फैमिली का है? पुट अप करिए आंसर, पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके आंसर विल बी द हेपाटाइटिस विरिडी। ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू देखेंगे वेरिसेला जोस्टर वायरस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ डीएनए वायरस है। ए ऑप्शन में पॉक्स विरिडी,
बी ऑप्शन में आडिनो भिरीडी, ओके सी ऑप्शन में हॉर्पिस भिरीडी, ओके सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, हॉर्पिस भिरीडी, ओके इसको जरूर याद रखिए, ओके वेरी गुड, सना सना एंड ट्रिपल एस कान ऑल आर गिविंग द राइट आंसर, ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू 12th में देखेंगे एप्स्टीन बार वायरस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ डीएनए वायरस, ए पॉक्स भिरीडी, बी ऑप्शन में आडिनो भिरीडी, सी ऑप्शन में हर्पिस भिरीडी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव, इसके बारे में भी बोला था एप्स्टीन बार वायरस एक तो डिजीज करता है, ओके एप्स्टीन बार वायरस, ओके जो कि हर्पिस भिरीडी ओके फैमिली का है, इसको भी जरूर याद रखिए, ओके यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस वन. नेक्स्ट विल कम बैक टू 13 में देखेंगे पोलियो वायरस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ डीएनए सॉरी आरएनए वायरसेस, ओके आरएनए वायरसेस बोला है, ए ऑप्शन है पॉक्स भिरीडी, बी ऑप्शन में आडिनो भिरीडी, सी ऑप्शन में हर्पिस भिरीडी, डी ऑप्शन में पिकोरना भिरीडी, तो 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर होगा ओके डी दैट इज पिकोरना भिरीडी, इसको जरूर याद रखिए, पोलियो वायरस ये भी एक तो क्वेश्चन जरूर आता है, ओके पोलियो कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस, पूछ लेता है आरएनए है कि डीएनए बोल के, ओके इसका भी एक तो जरूर क्वेश्चन पूछता है. नेक्स्ट वी हैव टू ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू 14 में देखेंगे राइनो वायरस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ आरएनए वायरसेस, ओके कौन सा आरएनए फैमिली का है, आरएनए वायरस फैमिली का है, पॉक्स भिरीडी, बी ऑप्शन में आडिनो भिरीडी, सी ऑप्शन में टुगा भिरीडी, ओके डी ऑप्शन में पिकोरना भिरीडी, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, 14 का आंसर क्या होगा, पिकोरना भिरीडी, आंसर विल बी द पिकोरना भिरीडी होगा, इसको जरूर याद रखिए. नेक्स्ट विल कम राइनो वायरस जो है दैट बिलोंग्स टू पिकोरना भिरीडी, ओके फैमिली पिकोरना भिरीडी. नेक्स्ट विल कम बैक टू कोरोना वायरस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ आरएनए वायरसेस, ओके आंसर यहां पर क्या होगा, ए ऑप्शन में पॉक्स भिरीडी, बी ऑप्शन में कोरोना भिरीडी, सी ऑप्शन में टोगा भिरीडी, डी ऑप्शन में पिकोरना भिरीडी, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, कोरोना भिरीडी, नाम से ही पता चल रहा है, ओके नाम से ही पता हमको चला ओके चल जा रहा है, ओके इसको जरूर याद रखिए. ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू 16 में देखेंगे राबीज, ओके एंटी रेबीज वैक्सीन दिया जाता है, राबीज जलांतक भी बोला जाता है, एंटी रेबीज वैक्सीन जो पोस्ट प्रोफिलैक्सिस इसका जो होता है 0 डेज में दिया जाता है, 3 नंबर में दिन में दिया जाएगा, ओके उसके बाद 7 नंबर डेज में दिया जाएगा, उसके बाद 14 नंबर डेज में दिया जाएगा, उसके बाद 28 नंबर में इसका डोज दिया जाएगा, ओके 28 नंबर डेज में दिया जाएगा, ओके ये डेज यहाँ पर मेंशन कर देना हूँ डेज, ओके जिस दिन काटा है कुत्ता या कोई भी रेबिड एनिमल, ओके किसी भी अगर वाइल्ड एनिमल को रेबिड वायरस हुआ है, ओके उसी दिन से 0 दिन में दिया जाएगा, उसके बाद 3 नंबर दिन में 7 नंबर दिन में 14 नंबर डेज में 28 नंबर डेज में दिया जाएगा, ओके जो भी दिया जाएगा कौन सा रूट में दिया जाएगा, डेल्टॉइड में दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर, इसको जरूर याद रखो डेल्टॉइड में ही दिया जाएगा, ओके ग्लूटियल में नहीं दिया जाएगा, हमेशा याद रखो, ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके हमेशा ग्लूटियल में ही दिया जाएगा, ये जो भी डोज है ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है, ओके तो 16 का राबडो भिरीडी, वेरी गुड डियर, यू हैव गिवन द राइट आंसर डियर, ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू 17 में देखेंगे मम्स वायरस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ आरएनए वायरस, पहला चीज याद रखो मम्स वायरस क्या वायरस है, आरएनए वायरस है, कौन सा फैमिली का है, ए ऑप्शन में राबडो भिरीडी, बी ऑप्शन में पारामिग्जो भिरीडी, सी ऑप्शन में टुगा भिरीडी, डी ऑप्शन में पिकोन्ना भिरीडी, तो 17 का आंसर क्या होगा, मम्स वायरस, ओके मम्स मम्स बोला है, ओके मम्स क्या होगा, पारामिग्जो भिरीडी, ओके मम्स मिजिल्स ये सब चीज के बारे में बोला था, ओके तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. नेक्स्ट विल कम बैक टू 18 में देखेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस ए बी एंड सी बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ आरएनए वायरस है, ए ऑप्शन में राबडो भिरीडी, बी ऑप्शन में पारामिग्जो भिरीडी, ओके सी ऑप्शन में ऑर्थोमिग्जो भिरीडी, डी ऑप्शन में पिकोना भिरीडी, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी द याद रखो, ओके आंसर इसका होगा ऑर्थोमिग्जो भिरीडी, ओके ऑर्थोमिग्जो भिरीडी,
यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू 19 में देखेंगे एचआईवी बिलोंग्स टू एचआईवी क्या है, आरएनए वायरस है, कौन सा फैमिली का है, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में राउडोविरिडी, बी ऑप्शन में पारामिक्जोविरिडी, सी ऑप्शन में ऑर्थोमिक्जोविरिडी, डी ऑप्शन में रिट्रोविरिडी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर पुट अप करिए, 19 का आंसर पुट अप करिए, 18 का सी, वेरी गुड ट्रिपल एस खान, यू हैव गिवन द राइट आंसर डियर, 19 का पुट अप करिए, 19 का आंसर होगा, ओके यहाँ पर एच आई वी वायरस जो है वो रिट्रोविरिडी है, ओके रिट्रो वायरस है, ओके इसको जरूर याद रखो। ओके मैं एच आई वी एंड एड्स के बारे में सेपरेट मोर देन 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन में डाला हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी मेरा मोर देन ओके 700 वीडियो अभी होने वाला है, ओके अभी तो जितना वीडियो मैं डाला हूँ मोर देन 700 नंबर ऑफ वीडियो होगा, उसमें एच आई वी का मैं सेपरेट डाला हूँ, मोर देन 50 क्वेश्चन है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, एक एक क्वेश्चन उसका एक एक ओके एक जरूर आएगा, ओके एक बार जरूर देख लेंगे आप लोग, वेरी गुड डियर ट्रिपल एस खान, यू हैव गिवन द राइट आंसर। नेक्स्ट विल कम बैक टू 20 में देखेंगे आर एस बी रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, बिल रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस कौन सा है, ये आर एन ए वायरस है, इसका फैमिली का नाम क्या है, ए ऑप्शन में राउडोविरिडी, बी ऑप्शन में पारामिक्जोविरिडी, सी ऑप्शन में ऑर्थोमिक्जोविरिडी, ओके डी ऑप्शन में रिट्रोविरिडी, तो इसका आंसर क्या होगा, पारामिक्जोविरिडी होगा, इसको जरूर याद रखिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आप सभी ने ओके ऑनलाइन क्लास अटेंड किए, पार्टिसिपेट किए, आपका जो नॉलेज था उसको और थोड़ा आप लोग ओके इम्प्रूव किए, ये जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जब तक करेंगे तब तक आप सक्सेस होंगे, खाली पढ़ते रहेंगे क्या होगा, जो पढ़े हैं वो भूल जाएंगे, प्रैक्टिस होना जरूरी है हमेशा, ओके कोई भी चीज प्रैक्टिस करेंगे तो ओके जरूर हमको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने पार्टिसिपेट किए और जिन्होंने नहीं भी किए हैं उन लोगों को भी धन्यवाद है। ओके सी यू टुमारो, ओके हम नया कॉन्सेप्ट के साथ में दोबारा हम ओके सेपरेट क्लास लेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, आपका ख्याल रखिए, आपका परिवार का ख्याल रखिए, ओके हमेशा प्रिकॉशनरी मेजर COVID-19 का प्रिकॉशनरी मेजर को फॉलोअप करते रहिए, खुद को अच्छा रखिए, लीक वार्म वाटर पीते रहिए, ओके वार्म वाटर पीते रहिए, ठंडा पानी नहीं पीना है, ओके जब भी बाहर को अगर जा रहे हैं तो मास्क पहनना है N95, ओके N95 मास्क और ओके KN95 और ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क व्यवहार करते रहिए, ओके फॉर यू पीपल या ओके कुछ जो विटामिन सी हो गया या आपका जिंक टैबलेट ये भी आपको खाना है तो खा लीजिए क्योंकि जरूरी है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।